हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोल। नालागढ़ पुलिस ने देर रात पंजोरा में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन में रात के अंधेरे में अवैध खनन का करोड़ों का कारोबार होता है। रात के अंधेरे में पीले पंजे से चोरी की गई बहुमूल्य खनन संपदा को पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा को सप्लाई किया जाता है, जिससे यहां का भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और क्षेत्र की जीवनदायिनी बाल्द, सरसा और रत्ता नदी का अस्तित्व मिटने की कगार पर है। जो टिप्पर हमने पकड़े हैं, ये रात को अवैध माइनिंग करते हुए पकड़े गए हैं। ये स्थानीय लोगों के टिप्पर हैं और इनके ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो माइनिंग एक्ट के अनुसार ही इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो ये बता दूं कि ये कार्रवाई जो है ये कंटिन्यूसली रहेगी। हमारे स्पेशल ऑफिसर्स के आदेश हैं कि माइनिंग जो है इलाका में ज़्यादा हो रही है, तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जहां हम कानून व्यवस्था के कामों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जो आपराधिक मामले उनके अन्वेषण में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो साथ में ये काम भी हम कर ही रहे हैं। इनको हमने पकड़ा है रात को पंजारा के पास से। ये 4 टिप्पर हैं और 2 हमने ट्रैक्टर भी पकड़े हैं। एक्ट के अनुसार जी अलग अलग रेंज रहती है, बट जो भी होगा वो एज पर लॉ रहेगा सारा कुछ। हमने पूरब में भी कार्रवाई की है वहाँ पर, और अगर इस तरह की है आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है तो हम दोबारा कार्रवाई करेंगे इसमें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।